हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RP पब्लिक स्कूल जोगीठेर सिविगंज बरेली में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि मैथ का क्लास 10th का चैप्टर नंबर है 13 स्टैटिक्स, इसे हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं स्टैटिक्स या सांख्यिकी क्या होती है। तो जो स्टैटिक्स वर्ड है वो स्टेटस वर्ड से लिया गया है। स्टेटस, इसका मीन क्या होता है? इसका मीन है जो भी हमें गिवन डेटा है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना। आए दिनों हम बहुत सारे स्टेटस सोशल मीडिया पर लगाते हैं, जैसे व्हाट्सएप हुआ, टेलीग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, या बहुत सारे सोशल एप्लीकेशन हो गए, उन पर हम स्टेटस लगाते हैं। वो स्टेटस क्या करते हैं? हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं कि हम क्या हैं। उसी तरह से कोई भी गिवन डेटा है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है कि ये किस चीज से रिलेटेड है। बात करें इस स्टैटिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे, तो इसमें जनरली हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को स्टडी करेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इनमें तीन चीजों का हमें स्टडी करना है, कौन कौन से वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। पहला है माध्य, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मीन। नेक्स्ट है माध्यक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। नेक्स्ट है बहुलक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोड। अब ये माध्यक और बहुलक भी दो तरह से डिफाइन किए जाते हैं। बात करते हैं सबसे पहले डेटा। ये डेटा क्या होता है? ये कुछ आंकड़े होते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं आंकड़े, जो क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि क्या क्वालिटी है, क्या करेक्टरिस्टिक्स है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला है अनग्रुप्ड डेटा, हिंदी में इसे कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। नेक्स्ट है ग्रुप्ड डेटा, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्गीकृत आंकड़े। अब ये अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक क्रिकेटर है जिसने 5 मैचों की श्रृंखला में पहले मैच में 24 रन बनाए, नेक्स्ट मैच में उसने 35 रन बनाए हैं, और उससे अगले वाले में 60, नेक्स्ट वाले में 73, नेक्स्ट वाले में 25। ये 5 मैचों में उस बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों की
ये आंकड़े दे रखे हैं। अब कहा जाता है कि इन आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये यहां पर जो आंकड़े हैं वो बिखरे हुए हैं, जिसे हम कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़े या अनग्रुप्ड डेटा। नेक्स्ट है अवर्गीकृत आंकड़े, ये कैसे होते हैं। मान लीजिए किसी भी कक्षा में कोई एक टेस्ट या पेपर कंडक्ट कराया जाता है और उसमें जो छात्रों को मिले अंक हैं उन्हें डिवाइड कर दिया गया। किस तरह से, जैसे यहां पर ग्रुप बना दिए गए, ग्रुप या इसे हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो टोटल वो 50 मार्क्स का टेस्ट है। अब उसमें यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स की नंबर जो जिनके मार्क्स 0 और 10 के मिड में आए हैं वो उनकी नंबर्स है 9। इसी तरह से 10 से 20 मार्क्स जिनके आए हैं उनके नंबर हैं 12। इसी तरह से जिनके मार्क्स 20 to 30 के मिड में आए हैं ऐसे स्टूडेंट्स हैं 7, और 30 to 40 के मिड में नंबर फाइंड करने वाले स्टूडेंट्स की नंबर है 13, और 40 to 50 मार्क्स गेन करने वाले स्टूडेंट्स की नंबर है 5। तो यहां पर इस तरह का जो डेटा होता है इसे हम बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा या वर्गीकृत आंकड़े। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस मीन की, माध्य। पहला टॉपिक है हमारा माध्य, इंग्लिश में इसे कहते हैं मीन। क्या होता है ये, इसे एक और भी नेम देते हैं जिसे कहते हैं मध्यमान। इसे जनरली M से डिनोट किया जाता है क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर है M, या इसे एक्स वार से भी डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या है, चूंकि यहां पर हमें दो तरह के डेटा दे रखे होते हैं, पहला अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े, तो इन दोनों से ही हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं और दोनों के लिए जो फार्मूला होता है वो अलग अलग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जब हमें डेटा वो कैसा दे रखा हो, अनग्रुप्ड हो, अवर्गीकृत आंकड़े हो। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए इसे अंग्रेजी में कहेंगे फॉर अनग्रुप्ड डेटा। क्या फार्मूला होगा, मीन एम या इसे एक्स वार से भी डिनोट करते हैं, क्या होता है, ये होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब ये सिग्मा एक्स क्या होता है, जो भी यहां पर हमें अनग्रुप्ड डेटा दे रखा होता है इसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, तो ये सिग्मा का मीन होता है सम। सम किसका, सम जो भी हमें गिवन डेटा दे रखा होगा उनका सम करना है, जोड़ करना है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हिंदी में इसे सभी पदों का योग बटे
पदों की संख्या। नेक्स्ट है, जब आंकड़े वर्गीकृत दे रखे हों, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए फॉर ग्रुप्ड डेटा, तब क्या फॉर्मूला होगा? एम इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ या सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये कैसे फाइंड करते हैं सिग्मा एफ एक्स, ये क्या होता है वो हम बाद में समझेंगे। ये जो मेथड है ये है डायरेक्ट मेथड। इसे लॉन्ग मेथड भी कहते हैं। इसी तरह से इसका एक और फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल टू a प्लस का सिग्मा f d अपॉन n। ये मेथड कहलाता है एज्यूम्ड मीन मेथड। इसका दूसरा नेम है सॉर्ट मेथड। इसका एक और फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू a प्लस का सिग्मा f u अपॉन n इंटू h। ये फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन। मेथड हिंदी में इसे कहते हैं, अज्यूम्ड मेन मेथड को कहते हैं कल्पित माध्य विधि और स्टेप डेविएशन मेथड को कहते हैं पग विचलन विधि। तो पहला टॉपिक है हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे से निकालेंगे। फार्मूला हमें पता ही है, m इज इक्वल टू होता है सिग्मा x अपॉन n, या इसे हिंदी में लिखें तो पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। तो यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, यदि 6, 7, x, 8, 22 और 14 है का माध्य 9 है तो इनमें से कौन सी इक्वेशन राइट है वो हमें निकालना है। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है, 6, 7 और x, तो माध्य m बराबर हमें क्या दे रखा है 6, 7, x, 8 और 22 और 14 है, इन सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो टोटल कितने संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल संख्याएं हैं 6, इनका माध्य m हमें दे रखा है 9, तो यहां पर लिख लेंगे 9, इनका योगफल निकालेंगे कितना, 14, 8, 22, 22 और 7, 29, 29 और 6 कितने हो गए 35, 29, 6, 35 प्लस का x ये ऐड नहीं हुआ, y भी ऐड नहीं होगा, अपॉन में 6 अपॉन 1 किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करा ली, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या मिल जाएगा 9, 6 जा 9, 6 के 54 बराबर, इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा 35 प्लस x प्लस y। 35 को इस साइड लेके आएंगे तो 54 माइनस का
35 बराबर x प्लस का y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा, यहां पर 14 में से 5 गया 9, इधर रह गया 4, 4 में से 3 गया कितना बचा 1। तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल गई, कौन सी, x प्लस वाई बराबर 19। तो इसमें हमारा ये बी ऑप्शन करेक्ट है, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7, 8, x, 11 और 14 का समांतर माध्य x है तो x का मान है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें निकालना है। तो क्या दे रखा है, सेकेंड क्वेश्चन, 7, 8, x और 11, 14 इन सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, कितने हैं टोटल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 बराबर में माध्य, माध्य हमें दे रखा है कितना है, x है, तो माध्य कितना है, x है, बराबर इन सभी का योगफल कर लेंगे कितना, 14, 11, 25, 25, 8, 33, 33 और 7, 40 प्लस का x ऐसा का ऐसा ही बटे में 5। ये 5 कहां चले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में गुणा हो जाएगी, 5x बराबर 40 प्लस का x, x को इधर लेकर आएंगे तो ये 5x माइनस का x बराबर कितना हो गया 40। तो ये कितने बचे यहां पर, 4x बराबर 40, 4 गुणा में है कहां चले जाएंगे, इन 40 के बटे में, इससे इसको डिवाइड कर देंगे मिल जाएगा 4 × 2 = 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10, यहां पर x का मान हो जाएगा 10। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, कहा है यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो यहां पर n प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, एक से लेकर के अनंत तक जो भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो n प्राकृत संख्याओं का माध्य दे रखा है 15, तो यहां पर माध्य, माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब क्वेश्चन में हमें से कहा है कि n प्राकृत संख्याओं का, तो पदों का योग कहां से, प्राकृत संख्याएं वो एक से स्टार्ट होती हैं, तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से कहां तक, n पदों तक, n पदों तक। पदों की संख्या कितनी है वो तो हमने पहले ही लिखा है, n पदों तक, तो पदों की संख्या हो गई n, और माध्य हमें दे रखा है कितना है, 15, तो यहां पर 15, तो ये 15 बराबर n पदों तक का योग। अगर यहां पर ये एक से स्टार्ट हो रहा है तो इन श्रेणी का जो योगफल होता है वो होता है n, n प्लस 1 अपॉन 2, और ये n ऐसा का ऐसा ही, तो यहां से ये n से n हो गया कैंसिल, 2 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 15 × 2, इधर कितना रह गया n प्लस 1, तो ये हो गया 30, 1 को इधर ले आए ये हो गया माइनस का बराबर n, n का मान आ गया 29, और यही इसका आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन डी कैसा है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य है, तो यहां पर हमें से कहा गया है 1 से स्टार्ट करना है और 9 तक की प्राकृत संख्याओं का माध्य। क्वेश्चन नंबर है 4th, तो माध्य m बराबर पदों का योग,
पदों का योग कहां से, एक से कहा गया है, तो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ और नौ, बटे में कितनी संख्याएं हैं, नौ संख्याएं। तो इनका योगफल निकाल लेते हैं, एक दो तीन, तीन छः, चार दस, पाँच पंद्रह, छः इक्कीस, सात अट्ठाईस, अट्ठाईस सौ आठ, छत्तीस, छत्तीस सौ नौ, पैंतालीस। पैंतालीस बटे नौ, नौ से इसको डिवाइड कर देंगे, नौ पंजे पैंतालीस, तो माद आ गया एम बराबर पांच, और यही इसका आंसर हो गया। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से पंद्रह तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। क्वेश्चन नंबर है फाइव। तो सबसे पहले एक से पंद्रह तक की सम संख्याएं, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, x से। तो पहली सम संख्या कितनी है, दो, फिर चार, छः, आठ, दस, बारह है, और इसके बाद चौदह है, इसके बाद सोलह है, लेकिन सोलह पंद्रह से हो जाएगी बड़ी, तो यहीं तक रहेगी ये श्रेणी। हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा, इन सभी पदों का योग, दो चार छः आठ दस बारह है और चौदह है, इन सभी को ऐड करेंगे अपॉन में कितने ये नंबर हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात नंबर हैं। तो सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं, दो चार छः, छः छः बारह, बारह आठ बीस, बीस और दो बाईस, बाईस और चार कितने हो गए, छब्बीस, और छब्बीस के छः हाँ से लगा दो, दो और एक तीन, तीन और एक चार और एक पाँच, ये हो गया छप्पन, बटे सात, सात से इसे डिवाइड कर देंगे तो सात अट्ठे छप्पन, तो माध्य एम बराबर आ गया आठ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स। क्या कहा है, दस व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। तो माध्य बराबर हमें पता होता है क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो माध्य हमें पहले ही दे रखा है कितना है, 45.6 किलोग्राम, तो माध्य के स्थान पर 45.6, पदों का योग निकालने के लिए कहा गया है, तो पदों का योग, पदों की संख्या हमें दे रखी है कितने टोटल व्यक्ति हैं, 10, तो यहां पर अपॉन में आ जाएगा 10 अपॉन 1 किया तो 10 चले जाएंगे इधर मल्टीप्लाई में, कितना हो जाएगा, पदों का योग बराबर 45.6 गुणा 10, इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिल जाएगा 456, और ये किलोग्राम में दे रखा था तो 456 किलोग्राम, और यही इसका आंसर हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर है वन। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता जिसे भाग प्रति मिलियन में दिया गया है को ज्ञात करने के लिए एक नगर की 30 कॉलोनियों से आंकड़े इकट्ठा किए गए, जिन्हें नीचे आगे दर्शाया गया है और एक टेबल दे रखी है, और कहा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमें जो कॉलोनियों की संख्या दे रखी है वो दे रखी है कितनी, 30, इसे हम कहते हैं सिग्मा एफ या एन,
ये हमें दे रखा है 30, चाहे तो अगर हम इसे ऐड भी करना चाहेंगे तो भी हमें 30 ही मिलेगा। 9 4 13 13 और 9 कितने हो गए 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28 और 2 30। और ये क्या क्या दे रखे हैं, जो हमें ये यहां पर वर्ग दे रखे हैं इन्हें हम हिंदी में कहते हैं वर्ग अंतराल। और अंग्रेजी में कहते हैं क्लास इंटरवल और सी आइस लिखते हैं। जो बारंबारता दे रखी है इसे अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीक्वेंसी और स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या निकालना होता है, एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। कैसे निकालते हैं, तो यहां पर जो भी हमें ये वर्ग अंतराल दे रखे होते हैं इनमें पहला जो वर्ग अंतराल का पहला बिंदु है इसे हम कहते हैं निम्न वर्ग सीमा। और जो उच्चतम बिंदु है इसे हम बोलते हैं उच्च वर्ग सीमा। इसे निम्न वर्ग सीमा को L1 से प्रदर्शित करते हैं, उच्च वर्ग सीमा को L2 से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर जो x है वो होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2। मीन इन दोनों वर्ग अंतरालों के बिंदुओं का औसत माध्य। तो यहां पर इन दोनों को ऐड करेंगे 0.00 प्लस 0.04 अपॉन 2। इन्हें सॉल्व करने पर जीरो में कोई भी नंबर ऐड होता है तो वैसा का वैसा ही रहता है, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.02। या इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इन दोनों के मिड में जो भी नंबर आता है वही एक्स होता है। इनमें डिफरेंस हमें दे रखा है 0.04 का, तो इसे इसी तरह से सॉल्व करने पर नेक्स्ट जो एक्स की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी 0.06। नेक्स्ट फाइंड हो जाएगा 0.10 और नेक्स्ट मिलेगा 0.14, नेक्स्ट मिलेगा 0.18 और लास्ट मिलेगा 0.22। अब क्या फाइंड करते हैं, एफ इंटू एक्स। इसे हम किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से। कौन सा मेथड है यहां पर, डायरेक्ट मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, या इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो यहां पर हमें सिग्मा एफ या एन की वैल्यू दे रखी है, क्या निकालना है हमें, एफ इंटू एक्स अभी और निकालना है और उसका सम निकालना है, जोड़ निकालना है। तो एफ ये रहा और एक्स की वैल्यू ये रही, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 की इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 × 0.02, तो ये हमें मिल जाएगा कितना, 0.08। ठीक इसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई होगी 9 × 0.06 और ये हमें मिल जाएगा कितना, 0.54, 9 × 54। इसी तरह से नेक्स्ट हमें मिल जाएगा कितना, 0.90। और अगला मिल जाएगा 0.28, इन दोनों की मल्टीप्लाई इतनी। नेक्स्ट मिल जाएगा कितना, 0.72, 18 × 72। और ये मिल जाएगा 22 × 44 यानी 0.44। क्या करना है हमें, सिग्मा एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स तो हमने निकाल लिया, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो इनको जोड़ना पड़ेगा सिग्मा एफ एक्स।
तो इन्हें ऐड कर लेते हैं, 8 4 12 12 8 20 2 22 और 4 26 का 6 यहां से लगे 2, 2 0 2 हो जाएंगे, 2 5 7 7 9 16 16 2 18 18 7 25 25 और 4 29 पॉइंट लगना है, 2 नंबर के बाद 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, वैल्यू पुट कर देंगे तो एम तो हमें निकालना ही है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2.96 अपॉन ये कितना है 30, तो इससे डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, अलग इसको डिवाइड कर लेते हैं 30 से कितने को 2.96, तो 30 से 2 में तो डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, दो नंबर लेने पड़ेंगे, तो 0 लगा के पॉइंट 2 नंबर हो गए, अभी भी ये कैसा है छोटा है, तो एक और 0 लगाएंगे दोनों नंबर ले लेंगे, तो यहां पर कितना बार चला जाएगा 9 कितना होता है 270, कितना बचेगा यहां से 6 ऐसा का ऐसा ही ये 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 इंक्रीज कर लेंगे कितना मिल जाएगा 8 जा, तो यहां पर कितना मिल जाएगा 240, 240 20 बचे, यहां पर पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लेंगे कितना हो जाएगा 30 छक्के कितना 180, 20 बचेंगे और लास्ट में 6 6 6 इस तरह से चलता रहेगा, वैल्यू हो जाएगी 0.0986। जब ये वैल्यू 5 से बड़ी होती है तो इसमें क्या करते हैं 1 इंक्रीज कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.099 इतना, और ये हमें किसमें दे रखा था भाग प्रति मिलियन में, तो इसे हम लिख देंगे इतना भाग प्रति मिलियन, और यही इसका आंसर हो गया एम बराबर।